हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यू वाचिंग फिनोमिनल गुरुजी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलेगा वॉल्यूम कंट्रोल का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये जो है इंटरफेस काम करता है, क्या क्या फ़ीचर आपको मिलते हैं। ये दोस्तों एंड्रॉयड 12 का जो वॉल्यूम कंट्रोल है आपको देखने को मिलता है। अगर आप दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़ या एफ सीरीज़ के स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसमें दोस्तों आप इस तरीके के कंट्रोल जो वॉल्यूम पैनल है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको और भी ज़्यादा वॉल्यूम कंट्रोल देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जो हमने वॉल्यूम कंट्रोल सेट कर रखा है वो दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का सेट कर रखा है, जिसे आप दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आपको और बहुत सारे वॉल्यूम कंट्रोल यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक ऐप को ओपन किया है, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 12 का जो है वॉल्यूम कंट्रोल मिलता है। इसके बाद दोस्तों iOS वाला सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, iOS वाला जो वॉल्यूम्स कंट्रोल है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों, एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको 1UI 3.0 का भी मिलता है, 2 का भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कलर OS 6 के मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन OS है और साथ में यहाँ पर फन टच OS के हैं। तो ऑलमोस्ट दोस्तों आपको सारे जो कस्टम UI हैं उनके जो वॉल्यूम पैनल है देखने को मिल जाते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल सेंटर दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं Realme UI का। साथ में दोस्तों यहाँ पर बात करें विंडोज़ 10 का, यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो भी देखने को मिल जाता है। तो इसे दोस्तों हम अप्लाई करेंगे और बाकी स्टेटस बार हैं और iOS 12 के हैं दोस्तों, और हॉरिजेंटल वगैरह भी हैं जो कि 1UI के हॉरिजेंटल आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके आप दोस्तों सारा चेक कर सकते हैं। विंडोज़ फ़ोन के हैं और दोस्तों देख सकते हैं, तो ये सारे आप यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों तो एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम आपको एक और बता देते हैं, जैसे कि विंडोज़ फ़ोन का कंट्रोल सेंटर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जिसे आप यहाँ पर दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपली दोस्तों आप आएंगे प्ले स्टोर के अंदर, यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऐप मिल जाएगा जिसका नाम है वॉल्यूम स्टाइल कस्टमाइज योर वॉल्यूम पैनल स्लाइडर, जिसे आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं दोस्तों और इसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर कस्टम जो बहुत सारे अलग अलग वॉल्यूम पैनल हैं देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।